ये वीडियो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। ये क्विक रिविजन टाइप से वीडियो बना हुआ है। अगर आपका कोई एग्जाम बहुत ही नजदीक है जैसे कि पीएससी का, सेट का, आईटीजेम का, तो उस पर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें हम ले रहे हैं कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट लेंगे। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं योगेश केमिस्ट्री। इसमें पहला देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसका सिंबल होता है आर, इसका यूनिट हम लेंगे ओम। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, रो एल बाई ए, एल यहाँ पर लेंथ है, ए एरिया है, और रो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस लेते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, इसका सिंबल लेते हैं हम सी, और रेजिस्टेंस का इनवर्स को हम कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। इसके लिए यूनिट, जैसे कि हम यहाँ पर ओम लिए थे तो यहाँ पर उसका उल्टा कर दे, इनवर्स कर देते हैं, तो ये हो जाता है महो, इसका सिंबल भी पर ओम हो जाता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है कंडक्टेंस का, वो साइमन के साइमन लिया जाता है, और इसका सिंबल होता है एस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम कप्पा से, ये के जैसे जो दिख रहा है उसको हम कप्पा के नाम से जानते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर कंडक्टेंस हम इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस लिए थे, उसी प्रकार से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला रखने पर एल बाई ए और ये आर रखने पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो एल बाई ए इंटू वन बाई आर को हम यहाँ पर देख सकते हैं कंडक्टेंस के रूप में लिए थे, तो एल बाई ए इंटू कंडक्टेंस लिया जा सकता है। और एल बाई ए को सेल कॉन्स्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, सेल कॉन्स्टेंट इसका सिंबल होता है एक्स, और कंडक्टेंस तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो सेमेन पर मीटर होगा या तो महो पर सेंटीमीटर होगा। जो सेल कॉन्स्टेंट हम यहाँ पर देखें, वो सेल कॉन्स्टेंट होता क्या है, तो सेल कॉन्स्टेंट के लिए देखते हैं, इसके लिए सिंबल हम एक्स लिए थे, एल बाई ए को हम सेल कॉन्स्टेंट बोले थे। इसके अनुसार से इसका जो एसआई यूनिट होगा वो पर मीटर हो जाएगा, ये मीटर हो गया और ये एरिया हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, दोनों एक दूसरे कैंसिल करके पर मीटर हो जाएगा। इस सेल कांस्टेंट को हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर वाई मेजर्ड कंडक्टेंस के नाम से, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो बटा होता है मेजर कंडक्टेंस है, इसी को हम सेल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको आगे एक और रूप में देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा बाय सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम 1 बाई आर के नाम से जानते हैं, इसलिए ये हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस प्रोडक्ट ऑफ किसका हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का, ये दोनों का प्रोडक्ट सेल कॉन्स्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिंबल होता है लैम्डा, और ये ई क्यू इक्विवेलेंट को शो कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन को हम नॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में ही रहेगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या सीमेन को हम महो के नाम से जानते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगला देखते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसके लिए सिंबल हम फिर से वही लेंगे, लैम्डा लेते हैं, लेकिन सिंबल यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस मोलर के लिए ले लेंगे एम। ये भी होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलालिटी, जैसे हम वहां पर लिए थे नॉर्मेलिटी, यहाँ पर नॉर्मेलिटी लिए थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोलालिटी। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर में होगा, यूनिट सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, जैसे कि हम यहाँ पर सेंटीमीटर में लिए थे, इसका ऐसा यूनिट सेंटीमीटर में और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर में, बाकी सभी का यूनिट मीटर में ही रहेगा, सिर्फ एक का यूनिट सेंटीमीटर में रहता है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों के बीच में रिलेशन देखा जाए तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहाँ पर जेड होगा वो वैलेंसी दिखाएगा, जैसे कि HCl, NaCl का वैलेंसी एक होता है,
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड के लिए डाइवेलेंट होता है। तो ये वही शो करेगा वैलेंसी, मोनोबेसिक, डाइबेसिक या मोनोएसिडिक, डाइएसिडिक, जो भी रहेगा वो वैलेंसी हम यहाँ पर रखेंगे और दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें पॉइंट नोटेड नोट करने के लिए है, एक तो आप यहाँ पर इसका यूनिट अच्छा से याद रखिएगा कि इसका जो एसआई यूनिट है, सबका एसआई यूनिट, जैसे कि ये ओम हो गया, सीमेन हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है ये सीमेन पर मीटर, या सेल कांस्टेंट का यूनिट हो गया मीटर पर मीटर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है सीमेन, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट, और उसी प्रकार से मोलर कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये सब का सब यूनिट अच्छा से याद रखिएगा, ये पॉइंट सीधा उठाकर मैच कॉलम करके पूछा जा सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो जरूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।